गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपना ब्लॉग डाल रही हूँ। आई मीन 2024 का मेरा पहला ब्लॉग है ये। सो आज मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मैं एक और ट्रैक करने जा रही हूँ। पिछला ट्रैक था हमारा खीरगंगा का, अब आज मैं चूड़ा जा रही हूँ। सो अभी हम भैया की वेट कर रहे हैं क्योंकि हम भैया के साथ ही जा रहे हैं और मेरे साथ मान्य और प्रिया भी हैं जिनसे मैं आपको आगे मिलाऊँगी। सो देखते हैं भैया कब तक आते हैं, तब तक यू एंजॉय द व्यू। गाइस शी इज मान्या एंड शी इज प्रिया। सो आर यू बोथ एक्साइटेड फॉर दिस? या बहुत ज़्यादा। इतने दिनों से हमें यही एक्साइटमेंट थी कि हम जा रहे हैं। सो फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम जा रहे हैं। हाँ, चरौटी पहुंच गए। मैं सैर मान्या और प्रिया और अंजलि। हाय ईशा दीदी। सो अभी तक हम लोग पूरे 5 लोग थे और अब हमें 2 और लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सो चलिए अब अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और चलते हैं चुपार। फाइनली अभी हम सब उतर चुके हैं और हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है क्योंकि हम जीजू वगैरह की वेट कर रहे थे और वो भी आ गए। मैं आपको दिखा देती हूँ उन्हें। हमारी ब्रेक ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं आगे जहाँ पर हमारा लंच होगा। सो चलिए आगे की तरफ चलते। तो अभी हमने छोटा सा मिनी ब्रेक लिया स्पेशली डांस करने के लिए और अब हमें भूख भी लग रही है तो हम जाएंगे आगे। तो हम सब ने डांस तो कर ही लिया था तो हमने सोचा कि क्यों ना अब अंतराक्षी खेली जाए। तो सबसे पहले टर्न थी मेरी। जाने किस की हमें लग गई है नजर, दिस शहर में ना अब ना ठिकाना, तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
सो गाइज ये जो सामने दिख रहा है ये है चूड़धार और हमने यहाँ तक जाना है। अरे चुप क्यों हो गए यार, बोर ही हो रहे बच्चे। 2 मिनट हुई तो बोर, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। वो लोग अभी बहुत पीछे हो गए। यही है। अच्छा रुक गए यहाँ पे। रुक गए। हाँ जी। सो आप देख सकते हो अभी हम थोड़ी देर मिनी ब्रेक के लिए रुके और सामने है चूड़धार और हमने वहाँ तक जाना है और आज हम यहाँ ये वाला ट्रैक इस ट्रैक को करेंगे। ये इतना अच्छा स्पॉट है कि यहाँ से चूड़धार बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है और अभी हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी तो अभी जीजू का वेट करते हैं, तो जैसे ही वो आएंगे फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने और हम हैं चौपाल में और बाकी सब लोग भी आगे चल रहे हैं। मिल गया हमारा दिखते नहीं। चलो लेट्स गो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सराहा विलेज और ये इतना ज़्यादा सुंदर है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे क्योंकि आज रात हम यहीं पर स्टे कर रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं जब तक जीजू वगैरह आते हैं। सो लेट्स गो। मंदिर क्योंकि गांव के बिल्कुल बीच में और ये इतना सुंदर गांव है ना, पूरा ट्रेडिशनल तरीकों से बना है। सो अब जल्दी जल्दी आगे की तरफ चलते हैं। सो ये है वो मंदिर। चलिए अब अंदर की तरफ भी चलते हैं और मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ये है मंदिर के अंदर का व्यू, आप देख सकते हो कितना सुंदर टेंपल है। और मंदिर के बाहर यहाँ पर है शिवलिंग जो कि अंदर आते ही मिलती है। आप देख सकते हो कितना पुराना मंदिर है ये। और अभी हम सब यहाँ पर बैठे हैं दर्शन के लिए क्योंकि पंडित जी अभी आने वाले हैं और यहाँ का इतिहास हमें सुनाएंगे इस मंदिर का। सो अभी हम सब बैठ के आनंद ले रहे इस खूबसूरत मंदिर का।
अभी हम चाय पीने आए, हम हो चुके हैं चाय पीकर ख़त्म। अभी हमने थोड़ा सा चाय वाला ब्रेक लिया था, सो अब हम जा रहे हैं गाड़ी तक सामान निकालने, क्योंकि हमारा बैग गाड़ी में था। और उसके बाद अब हम जाएंगे अपने रूम्स, वहाँ पे बैग रखेंगे और फिर शाम को आज हमारा बॉर्न फायर का प्लान है, तो उसकी तैयारियाँ करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। और यहाँ पे सामने एक सुंदर सा टेंपल भी है, सो वहाँ भी चलते। सो ये है वो टेंपल। सो यहाँ की इतनी सुंदर बात होती है ना पहाड़ों की, मतलब जहाँ भी जाते हैं ना घर जैसा फील होता है, चाहे आप अपने घर में हो चाहे ना हो। एंड एवरीथिंग हियर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ना वाइट कलर के पेड़ भी है, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स उगे हुए हैं। सो पिंक कलर के भी है। एंड अब मैं देख रही हूँ कि सेब में भी पत्तियाँ आने लग चुकी है। और हर जगह बहुत ही अच्छा मौसम है और यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे। सो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं कैसी है ये जगह। और यहाँ पे हमें कुछ लोकल्स भी दिखने लग गए, अभी तक तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। नाउ आई एम एबल टू सी, एक मिनट मैं आपको भी दिखा देती हूँ आगे। सो अभी मैं आपको यहाँ के ऑर्चर्ड्स भी दिखाऊंगी। देखो आप कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे फील्ड्स एंड ऑर्चर्ड्स। और यहाँ पे जगह जगह पानी भी है पीने के लिए, अभी तो इसमें है नहीं है कई जगह पर। सो जीजू हमें यहाँ लेकर आए हैं इस सुंदर सी जगह में, एंड सब लोग अभी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। सहर दीदी भी खूब मज़े ले रही है ना? सहर दीदी मज़े आ रहे मज़े? नहीं इट्स ओके, मैं खुश हूँ। क्या हुआ बताओ? इसमें बताओ। दोनों ना गाइस वहाँ बैठे थे, मैं और मान्या बड़े आराम से बैठे थे, और इस लड़की ने क्या किया, मुझे बोला कि उस वाले पत्थर में जाओ, इतना सारा पानी मेरे ऊपर गया, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। और जब मैं बदला लेने लगी तो ये चिक्खे मारने लगी थी। यही था। एंड अभी फिर से ये दोनों जा रहे हैं पानी में कूदने। कूदने तो क्या मतलब, पानी में अपने पाँव रखने। उतना तो पानी भी नहीं है, इतना सा पानी है, आगे आगे थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं तो तुम्हारे को दिखाने के लिए आ रही हूँ ना। अभी जीजू और सपना दीदी पानी में जा रहे हैं। बोला फाइनली हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर दिया है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे अपने रूम की तरफ, जहाँ पे आज हमारा स्टे है। तो चलिए अब उसको भी देखते हैं अंदर से, दैट हाउ इज़ द रूम एंड एवरीथिंग। सो चलो चलते। ऐसे ना स्टेप बाय छोटा छोटा स्टेप है और इसमें ये बना हुआ है। हेलो हेलो, क्या नाम है? हेलो एंजल शिवांगी दास्ता। आपका? एंजल शर्मा। अच्छा कहाँ पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? नहीं कौन से? आप? मैं फिफ्थ। और आप? सेवंथ। सो काफ़ी इंजॉय करने के बाद और कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद अब हम सब आ गए डिनर के लिए, क्योंकि इसके बाद हमने जाना है बॉर्न फायर के लिए। और ये हमारा डिनर भी आ चुका है, सो लेट्स ईट इट। तो अब टाइम हो रहा था रात के 1 बजे
और हम काफ़ी देर से बातें कर रहे थे और थक भी गए थे और हमें फिर से भूख भी लगने लग गई थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम हलवा बनाएं। और हम हलवे का पूरा सामान पहले से ही लेकर आए हुए थे और अभी आप देख सकते हो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एंड बिलीव मी, इससे इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो चलिए अब जैसे ये तैयार होता है हम सब अभी हलवा खाते हैं। सो इसी तरह से आज का दिन भी ख़त्म होता है और आज का व्लॉग भी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।